और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज में हुई लूट की लाइव वारदात। एक बैंक में तीन बदमाश कस्टमर बनकर दाखिल होते हैं और बैंक कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। दिन दहाड़े ये दहशत लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए फैलाई जा रही है। तमंचे की ताकत दिखाकर सरेआम ये बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे पर भी कैद हो रही है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में दिख रहे ये बदमाश एक के बाद एक बैंक में एंट्री कर रहे हैं। इनमें से एक बदमाश ने हेलमेट पहना हुआ है और वो काउंटर पर खड़ा हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। जैसे मानो कोई कस्टमर हो। बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा में दूसरा बदमाश बैंक कर्मचारी पर तमंचे से वार करता है और वारदात को अंजाम देने लगता है। ये बदमाश अपने साथ इंटरनेट राउटर और मोबाइल फोन भी लूट कर ले गए। आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने के लिए इन्होंने हवाई फायरिंग भी की और फिर मौके से फरार हो गए। यह घटना खानपुर लाल गोपालगंज मोहल्ले की ब्रांच की है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।